हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रसोई विद कान्हा जी में मैं बनाने जा रही हूँ गोभी मंचूरियन। तो जी, इस रेसिपी के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है जी ये कैबेज, जिसे मैंने बहुत 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 फाइनली चॉप कर लिया है। ये थोड़े से कैरेट्स ऑप्शनल है। ये ग्रीन चिलीज, ये है जी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, ये है जी कॉर्नस्टार्च, ये टोमेटो केचप, ये लेमन जूस। ये लेमन जूस मैंने विनेगर के प्लेस पे ऐड कर लिया है। और ये है जी सॉल्ट, ये है जी रेड चिली सॉस, इसको भी मैंने टोमेटो केचप में चिली फ्लेक्स को ऐड कर लिया था बहुत सारे। ये है सोया सॉस, ये है मैदा, ये है ब्लैक पेपर, ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ये थोड़े से कैप्सिकम, और ये सेम जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। तो जी, अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। तो पहले यहाँ पर ले लेती हूँ इस गोभी को। तो जी, अब इसमें ऐड कर लूँगी इन कैरेट्स को और इन इस पेस्ट को, जिंजर गार्लिक के और इस ग्रीन चिलीज को भी। और अभी क्या करेंगे ना, इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारा ये सॉल्ट। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया इसमें। सॉल्ट अभी ऐड करने से क्या होगा, जो हमारे गोभी में जितना भी पानी है वो पूरा छूट जाएगा, ताकि हमें परफेक्टली मैदा और कॉर्नस्टार्च को कितना ऐड करना है ये पता चल जाएगा। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी मुझे मिल चुकी है, बिल्कुल वही जो च्यूइनेस मुझे चाहिए था इसमें वो मुझे मिल चुका है। तो टोटल मैंने इसमें छोटे कप हाफ मैदा ही ले लिया था और हाफ कप ही कॉर्नस्टार्च ले लिया था। फाइनली इसमें थोड़ा सा मैं सोया सॉस ऐड कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ये बहुत है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। तो जी, अब मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके छोटे छोटे बिल्कुल बॉल्स बना लूँगी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स, इस तरह इसे सारे बॉल्स बना लूँगी मैं। जी, मेरी सारी मंचूरियन बॉल्स अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे क्या करूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी। तो चलिए करते हैं डीप फ्राई। तो जी, यहाँ पर मैंने ऑयल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हमारे सारे मंचूरियन बॉल्स को मैं डाल दूंगी। तो जी, इन बॉल्स को ऐड करने के बाद तकरीबन 2 to 3 मिनट्स, इसे बिल्कुल भी छुइएगा नहीं, जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ फेर दीजिएगा, बट इसे बिल्कुल भी छेड़िएगा नहीं, बिकॉज इसके फूटने के चांसेस है। तो जी, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्लिप कर लूँगी और वापस से 2 to 3 मिनट्स के लिए ऐसे से अच्छे से क्रिस्पी होने दूँगी मैं। तो जी, ये बन चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। तो लीजिए जी, ये मेरे सारे मंचूरियन बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम बना लेते हैं हमारी ग्रेवी। तो जी, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसका फ्लेम मैंने बहुत ही ज़्यादा हॉट किया है। इसमें मैं अभी 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी पहले। और जी, इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली वाला पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसीलिए मैं इसमें अभी एक कैप्सिकम भी ऐड कर दूँगी, और इसे भी कर लूँगी अच्छे से मिक्स। इसे हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, पहले ऐड कर लूँगी हमारा सोया सॉस, इसे कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और इसी के साथ साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी हमारा ये रेड चिली सॉस, हमारा ये टोमेटो केचप, हमारा ये लेमन जूस, और इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसे कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स।
और अब इसमें क्या करूँगी, मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा पानी और इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और इसे थोड़ा सा मैं पकने दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। तो जी ऑलरेडी मेरी सॉस बहुत गाढ़ी है, बट इसे थोड़ा और गाढ़ा बनाऊँगी मैं ऐड करके हमारी कॉर्नस्टार्च की स्लरी को, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून ऐड की है, और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी कंटिन्यूसली। और जी तुरंत मैं ऐड कर लूँगी हमारे इन मंचूरियन बॉल्स को, और इन सबको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो लीजिए जी मेरे मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। अब इस पर मैं ऐड कर दूँगी ढेर सारा कोरिएंडर, और इसे भी कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो जी लीजिए मेरे गोभी मंचूरियन बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसकी कर लूँगी प्यारी सी प्लेटिंग। लीजिए जी मेरी प्लेटिंग भी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। लग रहे हैं ना ये बिल्कुल टेस्टी एकदम से, तो पहले से इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़्यादा। इसे आपको फिंगर से तोड़ के दिखाऊंगी मैं। तो जी इसे अब कर लूँगी अच्छे से टेस्ट। OMG, वो च्यूइनेस जो मुझे चाहिए था, आई कैन सीरियसली फील इट। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टाइप्स है, बहुत ही परफेक्ट मसाले आ रहे हैं मेरे मुंह में। सीरियसली ये रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी है, आप ज़रूर इसे करिएगा ट्राई, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड गाइस जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इस रेसिपी के भी सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।